जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की गेंदबाजी करी, शुरू से ही टोन सेट कर दी थी उन्होंने। आते ही रोरी बर्न्स का विकेट लिया, उनको बड़ा अच्छा सेटअप करा, हमने उसके बारे में बात करी थी। तो वो जो शुरुआत करी और वो जो अंत करा, शुरू करा एक बेहतरीन इन स्विंगर से विकेट लेकर, अंत करा ट्रेडमार्क जसप्रीत बुमराह यॉर्कर डालकर। तो आज जितने पत्ते थे सारे दिखा दिए और शायद किसी का भी जवाब नहीं था इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास। देखिए हमेशा मैं यही कहता हूँ ना कि अगर प्रमुख आप गेंदबाज हो तो आपके जब नए गेंद लो तो आपको आपको नए गेंद के साथ सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि शुरुआत अच्छी हो। तो पहले ओवर में विकेट लिया तो उन्होंने वो बॉक्स भी बहुत अच्छी तरीके से टिक किया, अग्रेसिव थे। आप जब बुमराह की तरफ देखो ना तो वो आपके स्ट्राइक बॉलर है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी कैसी है। अगर वो विकेटों के लिए जाए और विकेटें ले तो उसका बहुत ज्यादा फायदा टीम को होगा। तो उस तरीके से उन्होंने अपने बॉलिंग को अप्रोच किया आज, तो वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, बटलर का विकेट, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि बटलर को वो एक क्रूशल एक एलिमेंट था वहां पे, क्योंकि आप जानते हो कि बटलर भी किस तरीके के खिलाड़ी है, किस तरीके के बल्लेबाज है, अच्छी गति से रन बनाना पसंद करते हैं। तो वहां पे जब वो उस समय पर विकेट जब लिया तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। और तीसरा, आपको जो लोअर ऑर्डर बैटिंग की बात करते कि सामने वाले टीम को जल्द से जल्द आउट कीजिए, अगर आप अच्छे पोजीशन में तो अच्छे से खत्म कीजिए, लोअर ऑर्डर बैट्समैन को ज्यादा कंट्रीब्यूट ना करने दे, तो वो भी उन्होंने अपने यॉर्कर्स के कारण कर पाया। क्योंकि आपने देखा सैम करन बहुत बहुत अच्छे मूड में थे, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे और रनों की गति बढ़ाने देख रहे थे, थोड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय पर आपने गेम को वहां से ज्यादा दूर जाने नहीं दिया, 25-30 रन अच्छे बनाए सैम करन ने, लेकिन पारी को खत्म किया बहुत अच्छे तरीके से जसप्रीत।